भारत के शेयर मार्केट को धराशायी करने के मकसद से जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सोमवार को भारतीय निवेशकों ने आईना दिखा दिया। रिपोर्ट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार हरे निशान पर झूम रहा है, तो वहीं बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बड़ी साजिश करार दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर हिंडनबर्ग के हमले के बाद भी भारतीय शेयर बाजार स्थित है और ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वो निवेश को सलाम करते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इसका असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर पड़ सकता है और बाजार भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। निवेशकों ने सेबी और बाजार पर भरोसा बनाए रखा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शेयरों के मामले में भी भारत एक सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है। मुझे गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है। पिछली बार जब ये हुआ था तो दो दिन में बाजार रिकवर कर गया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद बाजार में और भी रिकवरी आई थी। ऑन द बिहाफ ऑफ द नेशनल फोरम ऑफ द बीजेपी, वी वुड लाइक टू से विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आफ्टर बीइंग रिबफ्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, the Congress party, its allies and its closest allies, the toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. Desh mein aarthik arajakta aur aarthik asthirta. Swabhavik hai, हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल एफआईआई एफडीआई आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। India is a safe, stable and promising market in the shares as well. SEBI का काम क्या है? SEBI को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले। और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि SEBI एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज